एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनोमो इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी 100 डेज डेली वर्ड सीरीज का 11th डे है और आज भी मैं आपको ऐसे 10 वर्ड्स का कलेक्शन देने वाली हूं जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल और डेली लाइफ वाले हैं। तो पहला वर्ड है आज का सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड एक बहुत यूजफुल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित मतलब वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, खुद को इम्पोर्टेंस दे, अपने बारे में बातें करे और किसी को कुछ ना समझे और किसी को तवज्जो ना दे, उसको हम बोलते हैं आत्मकेंद्रित, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड। एग्जाम्पल, ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। इसका मतलब वो एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति है और सभी को इंतज़ार करवाता है। वो एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति है मतलब खुद को ही इम्पोर्टेंस देता है और किसी को अपने ऊपर कुछ नहीं समझता। नेक्स्ट वर्ड है आज का पार्शियल। पार्शियल भी एक बहुत यूजफुल इंग्लिश वर्ड है जिसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है आंशिक, अधूरा या अपूर्ण। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो मैं आपको बता दूं आंशिक क्या होता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा हिस्सा, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, अधूरा, थोड़ा सा, ओके? तो पार्शियल का मतलब हुआ आंशिक। तो पार्शियल के ऊपर एग्जांपल देखिए, इट वॉज ओनली अ पार्शियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इट वॉज ओनली अ पार्शियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये समस्या का केवल एक आंशिक समाधान है, मतलब समस्या का अधूरा समाधान है, कंप्लीट नहीं है। पार्शियल का सेकेंड मीनिंग होता है पक्षतापूर्ण या फिर पक्षपाती। पक्षतापूर्ण मतलब बाइज्ड, मतलब एक इंसान जो भेदभाव करे, किसी को किसी के ऊपर माने, यानी कि एकदम ऑनेस्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं पार्शियल। एग्जाम्पल देखिए, द जज वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्शियल। द जज वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्शियल, इसका मतलब जज पर पक्षपाती होने का आरोप लगा, यानी जज पर ऐसा दोष लगा, ऐसा आरोप लगा कि उन्होंने एकदम सही निर्णय नहीं लिया, किसी के पक्ष में लिया, उसको हम बोलते हैं पक्षतापूर्ण होना या पक्षपाती होना। तो ये थे पार्शियल के दो मीनिंग और दोनों ही मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही डेली लाइफ वाले मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्रॉपर। प्रॉपर भी एक बहुत बोलचाल वाला इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है उचित या फिर सही। एग्जाम्पल, इट मस्ट बी डन इन द प्रॉपर वे। इट मस्ट बी डन इन द प्रॉपर वे मतलब ये उचित तरीके से किया जाना चाहिए। ये उचित तरीके से किया जाना चाहिए मतलब इसको सही तरीके से किया जाना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम प्रॉपर काम नहीं करती हो, मतलब तुम सही तरीके से काम नहीं करती हो, तो प्रॉपर का ऐसा बोलचाल में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हाइपरबोली। हाइपरबोली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका मीनिंग मुझे नहीं लगता आपको पता होगा। हाइपरबोली मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जाम्पल, इट इज़ ओनली हाइपरबोली टू से दैट ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। इट इज़ ओनली हाइपरबोली टू से ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, इसका मतलब ये कहना अतिशयोक्ति है, यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, बड़ा चढ़ा कर बोलना हो गया कि वो स्कूल का सबसे चालाक या चतुर बच्चा है। तो हाइपरबोली का मतलब होता है किसी बात को बहुत ऊँचा, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी अतिशयोक्ति। नेक्स्ट वर्ड है आज का ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी। स्पष्टवादी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ब्लंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है मुंहफट होना, मतलब बिना सोचे समझे एकदम मुंह पर किसी को भी कुछ भी बोल देना, उसको हम बोलते हैं ब्लंट। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ब्लंट का मतलब तो हुआ मुंहफट, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा, सरल होना। तो शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मीनिंग हुआ वो बहुत मुंहफट और सीधी या फिर सरल है, ओके? तो ब्लंट एक यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आज का एक्स्ट्रोवर्ट। एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। अब आप बोलेंगे बहिर्मुखी मतलब क्या? तो एक्स्ट्रोवर्ट का मीनिंग होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करता हो, कॉन्फिडेंट हो, शर्माता ना हो, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होना। एग्जाम्पल,
ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट इसका मतलब वो बहिर्मुखी और आत्मविश्वासी है। हम जनरली अपने नेचर को बताने के लिए हम एक्सट्रोवर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे मेरा नेचर एक्सट्रोवर्ट है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा संकोच नहीं करती लोगों के सामने जाने में, या मुझे बात करने में हिचक महसूस नहीं होती, हेजिटेट नहीं होती मैं, तो मेरा नेचर एक्सट्रोवर्ट हुआ। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट का जस्ट ऑपोजिट हुआ। इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी बहिर्मुखी का ऑपोजिट, यानी कि वो इंसान जो बहुत शर्माता हो, लोगों के सामने बातचीत करने में दिक्कत होती हो, जिसे वो बहुत हेजिटेंट टाइप का नेचर हो, जिसका उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एग्जाम्पल, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच। आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच, मतलब मैं एक अंतर्मुखी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। तो इंट्रोवर्ट का अगर मैं एक शब्द में बोलूँ मतलब, तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है शर्मीला होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, अवरोध या फिर बाधा। एग्जाम्पल, शी क्रॉस्ड ऑल द बैरियर्स एंड गॉट सक्सीड। She crossed all the barriers and got succeed, मतलब उसने अपनी सभी barriers को, सभी बाधाओं को पार किया और सफल हुई। Next word है आज का spat। Spat एक बहुत ज़्यादा common word है, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे television पर, interviews में। Spat का मतलब होता है कहा सुनी, अनबन या फिर झगड़ा। Example, the spat between Salman and Shahrukh shook Bollywood. The spat between Salman and Shahrukh shook Bollywood, मतलब सलमान और शाहरुख के बीच की अनबन ने या फिर झगड़े ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। तो spat का मतलब होता है झगड़ा, अनबन या फिर कहा सुनी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का obsolete। obsolete भी एक यूजफुल और अच्छा वर्ड है, जिसे आप सीख सकते हैं। obsolete का मतलब होता है अप्रचलित, लुप्त या फिर पुराना, मतलब वो कुछ जो आउट ऑफ डेट हो गया हो, जो पुराना हो गया हो, जो अभी चलन में ना हो। तो ऑब्सोलीट के ऊपर एग्जांपल देखिए, द इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट। द इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विस ऑब्सोलीट, इसका मतलब इंटरनेट ने डाक सेवा को अप्रचलित कर दिया है। इंटरनेट के बाद ईमेल आया और हम जनरली अब डाक यानी कि लेटर्स वगैरह रियल टाइम में नहीं भेजते हैं, हम ईमेल्स करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इंटरनेट के आने के बाद जो डाक सेवा है, यानी जो हम खत या चिट्ठियाँ इधर उधर करते थे, वो बंद हो गया है, अप्रचलित हो गया, यानी ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। अब हम सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला वर्ड था आज का सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित। सेकेंड वर्ड है पार्शियल। पार्शियल के दो मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग होता है आंशिक या फिर अधूरा, और दूसरा मीनिंग होता है पक्षतापूर्ण या फिर पक्षपाती। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग होता है उचित या फिर सही। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मीनिंग होता है अतिशयोक्ति या फिर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट वर्ड ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग होता है मुँहफट या फिर स्पष्टवादी। नेक्स्ट वर्ड है आज का एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है आज का बैरियर। बैरियर का मीनिंग होता है रुकावट, अवरोध या फिर बाधा। नाइन्थ वर्ड है आज का स्पैट। स्पैट का मीनिंग होता है कहा सुनी, अनबन या फिर झगड़ा। और लास्ट वर्ड है आज का ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है अप्रचलित, लुप्त या फिर पुराना। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मुझे उम्मीद है सारे वर्ड्स आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर इस लिस्ट में आपको कोई भी वर्ड नया सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे इस सीरीज़ के थ्रू मुझसे डेली 10 ऐसे इंग्लिश के वर्ड सीखना चाहते हैं, जो हमारे डेली यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, वो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.